नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वर्ष IRTTC यानी कि इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की मीटिंग में कुछ मिनट्स उठाए गए थे, जिन्हें कि बाद में कोरोना की वजह से अमल में नहीं लाया जा सका और सभी को होल्ड पे रख दिया गया। वर्ष 2021 की IRTTC की मीटिंग डिजिटल मोड यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कल होना है तथा इसमें लगभग वही मुद्दे उठाए जाएंगे जो पिछले वर्ष होल्ड पर रख दिए गए थे। प्रमुख रूप से बात करें हम तो रांची से सिंगरौली होकर तीन ट्रेनें पिछली बार IRTTC की मीटिंग में आई थी, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया था, जिसको बाद में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर रेल मंत्रालय के पास पहुंचकर तथा मांग पत्र भेजकर सेंक्शन की जाने की मांग की थी। रांची लोहरदगा टोरी नई रेल लाइन होकर दो नई ट्रेनों को चलाया जाना है, जिसमें से पहली ट्रेन है रांची उधना एक्सप्रेस जो कि साप्ताहिक होगी। यह ट्रेन रेणुकूट चौपन सिंगरौली कटनी भोपाल उज्जैन रतलाम वडोदरा होकर चलाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं दूसरी ट्रेन रांची से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक रेणुकूट चौपन सिंगरौली कटनी जबलपुर इटारसी खंडवा भुसावल होकर LTT तक चलाया जाना प्रस्तावित है। वहीं अन्य ट्रेन भोपाल से दमोह तक चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट विस्तार कटनी सिंगरौली चौपन चुनार होते हुए वाराणसी तक चलाए जाने का पिछले वर्ष IRTTC की मीटिंग में प्रस्ताव दिया गया था। इसके लिए सोनभद्र सांसद एवं वहां के राज्यसभा सांसद, वहीं झारखंड से राज्यसभा सांसद जी ने रेल मंत्री जी को पत्र तथा अनुरोध किया था। ₹600 करोड़ की लागत से तैयार हुई रांची टोरी लोहरदगा रेल लाइन का विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है तथा इससे लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का संचालन फिलहाल में नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सिंगरौली से न्यू कटनी जंक्शन के बीच दोहरीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसके भी जल्दी से पूरा होने की संभावना है। पूर्व में पिछले वर्ष सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है तथा अब क्षेत्र की मांग है कि इस सेक्शन पर ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसी हफ्ते अहमदाबाद कोलकाता गाड़ी इस रूट पर फिर से शुरू हुई है, लेकिन वर्तमान में यह जितनी ट्रेनें चल रही वह क्षेत्र की जनता के हिसाब से अपर्याप्त है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि IRTTC की मीटिंग के बाद काफी अच्छे प्रस्ताव जो पिछले वर्ष सामने आए थे वह सेंक्शन होंगे। आगे भी हम इस विषय में आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।